सो आप अपने पुराने वाले होम स्क्रीन सेटअप से बोर हो चुके हो तो इस वीडियो आप ही के लिए है। सो हे गाइस, सीके ऑन द साइड एंड आई एम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप इजी एंड कुछ ही सेकंड में इस टाइप के होम स्क्रीन सेटअप क्रिएट कर सकते हो आपकी एंड्रॉइड मोबाइल पे, वो किसी भी मोबाइल हो, रियलमी, सैमसंग या फिर सामी का ही फोन ना हो। एंड आप कुछ ही स्टेप फॉलो करके इस टाइप के होम स्क्रीन सेटअप क्रिएट कर सकते हो आपके फोन पे। ओके, सो एट फर्स्ट आपको 5 एप्लीकेशन डाउनलोड करना है एंड स्क्रीन पे देख ही पा रहे हो, नोवा लॉन्चर, KWGT, इनिक्स आइकॉन पैक, डेली UI एंड सानन सी एप्लीकेशन। एंड ये सब एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, बट वो सब पेड है। एंड ये पेड एप्लीकेशन का लिंक आपको फ्री में मैं प्रोवाइड कर दूंगा इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है एंड डिस्क्रिप्शन पे भी है। इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को एक मैसेज करना एंड ये सब एप्लीकेशन का फ्री लिंक आपको उधर प्रोवाइड कर दूंगा। एंड सिंपली नोवा लॉन्चर को इंस्टॉल करके ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिल जाएगा। देन आपको नेक्स्ट करके नोवा लॉन्चर को ओपन कर लेना है। देन सेटिंग्स पे जाके आपको होम स्क्रीन पे नोवा लॉन्चर को एज ए डिफॉल्ट लॉन्चर सेट कर देना है। देन सेट करने के बाद आपको बैक आना है। नेक्स्ट आपको डिस्क्रिप्शन पे इस वॉलपेपर का लिंक मिल जाएगा, देन डाउनलोड करके इस वॉलपेपर को एज ए होम स्क्रीन वॉलपेपर सेट कर देना है। उसके बाद आपको होम स्क्रीन पे टैप करके रखना है। देन आपको नीचे सेटिंग्स बटन मिल जाएगा, देन उस पे टैप करके बैकअप एंड इनपुट सेटिंग्स पे टैप कर देना है। देन आपको ऊपर रिस्टोर और मैनेज बैकअप के टैप कर देना है। देन आपको इधर ब्राउज बटन पे टैप कर देना है। देन आपको एक फाइल सिलेक्ट करना है, जो फाइल मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको दिया गया है, नोवा बैकअप फाइल। एंड उसको आपको फाइल मैनेजर पे सर्च करके, मतलब कौन सा फोल्डर में है उसमें जाके आपको उस फाइल को इधर ओके कर देना है। देन ओके करने के बाद, मतलब इंपोर्ट कर देना है। देन इंपोर्ट करने के बाद आपको इधर ओवरराइट लेआउट आएगा, देन उस पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके जो नोवा सेटअप है वो क्रिएट हो जाएगा। देन आपको स्क्रीन पे जितने भी लेआउट है उसको आपको रिमूव करना है एक एक करके। एंड आप देख ही सकते हो स्क्रीन पे मैं जिस टाइप से कर रहा हूँ। देन रिमूव करने के बाद आपको स्क्रीन पे होल्ड करके रखना है। देन आपको विडजेट बटन पे टैप करके आपको इधर सर्च करना है KWGT विडजेट। देन उसमें जाके आपको 4x4 KWGT विडजेट आपको एक टैप करके होल्ड करके इधर होम स्क्रीन पे प्रेस कर देना है। देन मैं जिस टाइप से कर रहा हूँ इस टाइप से। देन प्रेस करने के बाद आपको इधर सिंपली आपको एप्लीकेशन में KWGT सर्च करना है। देन सर्च करने के बाद आपको KWGT एप्लीकेशन ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने बहुत ज़्यादा लोड आउट प्रीसेट आपको देखने को मिल जाएगा। देन उसमें से आपको 33 नंबर प्रीसेट आपको चूज करना है, मैं जो इस वीडियो में यूज़ करने वाला हूँ। एंड आप बहुत सारे प्रीसेट देखने को मिल जाएगा, चूज कर सकते हो। देन उसमें टैप करके आपको ऊपर सेव बटन मिल जाएगा, देन उसमें सेव कर देना है। सिंपली सेव करने के बाद आपको होम स्क्रीन प्रेस करना है। देन आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो एंड उसको रिसर्च करके स्क्रीन पे प्लेस कर लीजिए। एंड देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा इस विडजेट को। एंड इस विडजेट को सेटअप करने के बाद आपके होम स्क्रीन वो एक काफ़ी अट्रैक्टिव लुक में प्रोवाइड हो जाएगा एंड आपके पहले वाले होम स्क्रीन से बहुत ही काफ़ी ज़्यादा है। एंड इस होम स्क्रीन सेटअप आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर से बताएं। एंड वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना आपके एंड्रॉइड वाले दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल कैच यू इन नेक्स्ट वन। बाय।